नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेफिक्स 200 टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट के फायदे, नुकसान और इसे लेने का तरीका और कितने दिन तक इस्तेमाल करना है, इन सभी बातों को भी इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन उससे पहले दवाइयों की जानकारी पाने के लिए अपना डॉक्टर राज को कीजिए सब्सक्राइब, साथ में घंटी वाले निशान को दबाना ना भूलेगा। दोस्तों, सीफिक्स 200 टैबलेट आती है सिप्ला कंपनी की और इसमें जो सॉल्ट है वो है सिफिक्सिम टैबलेट 200 mg। 10 गोलियों का पत्ता होता है और इस प्रकार की इसकी पैकिंग होती है, ये देख लीजिए। और इसका जो MRP है वो है 105 रुपये, लेकिन ये एक जेनेरिक दवाई है तो आपको थोड़ा कम रेट में भी मिल सकती है। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं इसके यूसेस की। दोस्तों, सिफिक्सिम जो होता है वो एंटीबायोटिक होता है और तकरीबन 90% बीमारियों में, इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि ये इसका मेन काम होता है बैक्टीरिया के संक्रमण को खत्म करके प्रॉब्लम को ठीक करना। तो इसका इस्तेमाल दोस्तों आँख, नाक, कान, गले में कोई भी इन्फेक्शन हो जाना, सर्दी, खांसी, बुखार, टाइफाइड का बुखार, मलेरिया या फिर हड्डी वाला बुखार होता है, अंदरूनी बुखार होता है, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम, टॉन्सिल की दिक्कत और फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाना, साइनस, निमोनिया जैसी इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसका उपयोग गोनोरिया, यौन रोग से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम होती है उसको ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्किन की इन्फेक्शन कोई हो गई हो, जैसे कि फोड़ा, फुंसी, कील, मुहासे, घाव हो गया है कोई, उसको सुखाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। छाती में जब रेशा जम जाता है तो सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूरिन इन्फेक्शन को भी ये ठीक करता है और करती है टैबलेट। और गुप्तांगों में कोई इन्फेक्शन हो गई हो, अंदरूनी कोई इन्फेक्शन हो गई हो, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसकी डोज की बात करें तो एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को, सुबह शाम दी जाती है पेशेंट को। अडल्ट डोज के हिसाब से बड़ों को ये दी जाती है 200 mg में। अगर बच्चों को देनी होती है तो 100 भी आती है, 50 mg में भी आती है। तो डॉक्टर पेशेंट की एज और कंडीशन को देख के इसको बताते हैं टैबलेट को। और कोई यार और साथ में कोई दिक्कत है तो उसके साथ और भी टैबलेट दी जाती हैं, जैसे कि मल्टीविटामिन सिरप वगैरह देते हैं, पैरासीटामोल टैबलेट भी देते हैं। तो पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से ही डॉक्टर बताते हैं। तो इसे कम से कम 3 दिन या फिर 7 दिन तक इसका इस्तेमाल कराया जाता है पेशेंट को। और अगर ज़्यादा इन्फेक्शन है या कम है तो उस हिसाब से ही डॉक्टर बताते हैं, हो सकता है 10 दिन भी बता सकते हैं आपको, तो पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से ही बताएंगे। लेकिन दोस्तों, इसका इस्तेमाल आपने अपनी मर्जी से कभी भी नहीं करना है, क्योंकि दवाइयों का रिएक्शन भी होते हैं, कईयों को सूट नहीं करती होती कोई दवाइयाँ, तो रिएक्शन भी हो सकते हैं। तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो होते हैं पेट दर्द, चक्कर आना, गैस, सिर दर्द, पीलिया, घबराहट होना, उल्टी, मतली, ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, नुकसान होते हैं, तो इसको अपनी मर्जी से इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।